वेलकम टू माई चैनल गाइस। आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में और एक और कंपनी है गाइस उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि MI इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर एक बार फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी को रेलवे से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। गाइस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने 43 स्टेशन पर IP आधारित जितने भी इंटीग्रेटेड यात्री सूची सिस्टम है उसकी प्रतिस्थापना के लिए दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन से ऑर्डर मिला है। एंड ये अगर बात करें ऑर्डर कुल 1,564,961.8 रुपीज़ का है, मतलब ये ऑर्डर अगले 12 महीनों के अंदर इनको पूरा करना है। एंड कंपनी के शेयर जैसा कि आप देख रहे हो, मतलब फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुई थी, मतलब 5% तक का तेज़ी इसमें देखने को मिला था। अगर मैं आपसे बात करूँ पिछले 6 महीने के अंदर, तो पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं 111% का ये कंपनी मतलब रिटर्न दे चुकी है। सो गाइस ऑल ओवर देखा जाए तो हमें MIC के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है क्योंकि उसके जिस तरीके से ऑर्डर मिला था उसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। गाइस MI इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने पिछले 1 साल में कंपनी शेयर धारकों को मल्टीबैग रिटर्न दिया। एंड गाइस अगर हम बात करें कि कंपनी के शेयर 3 अक्टूबर 2022 को पहले, गाइस आप लोगों को पता होगा अगर आप चेक भी करेंगे तो 12 रुपये पे थे। एंड 29 सितंबर 2023 को ये 25.90 रुपये पर पहुँच गए, मतलब जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ था 29 तारीख को फ्राइडे वाले दिन। यस ये 1 साल में लगभग 110% चढ़ चुका है। एंड MIC इलेक्ट्रॉनिक जो है 1988 से LED वीडियो डिस्प्ले हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों के डिज़ाइन विकास और मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के विकास में ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है, मतलब ये सारा ये काम करता है। ठीक है, उसके साथ अगर बात करें कंपनी के ग्राहकों के कस्टमर्स कौन कौन से, तो गाइस इसके अंदर L&D लिमिटेड भी आता है, हमारी भारतीय रेलवे है, RBI है, HP, MTNL, SBI, PNG, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा टेली सर्विसेज, हैदराबाद कॉल इंडिया लिमिटेड, गुजरात साइंस सिटी, विजगा स्टील, गाइस ये सारे मतलब आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सब के सब इसके कस्टमर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस ऑल ओवर अगर बात की जाए तो MIC काफ़ी अच्छी कंपनी जानने को मिलती है। एंड देख सकते हो कि इसका अभी IPO हाल फिलहाल में 2021 में ही आया था। एंड अगर मैक्सिमम बात करें तो उसका चार्ट का थोड़ा सा पैटर्न ना ऐसे रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे मतलब काफ़ी 17 रुपये से स्टार्ट हुआ, बहुत डाउन गया, दैन उसके बाद फिर से हमें 25 रुपये पर देखने को मिलता है। एंड अभी हाल फिलहाल में देखिए साल भर का अगर देखें ना गिरावट के साथ देखें तो 44% का ही रिटर्न दिया, लेकिन 6 महीने के मैंने आपको बताया था 111% का रिटर्न, मतलब कितने कम समय में ये दे चुका है 100% तक, मतलब 2 गुना तो कर चुका है काफ़ी लोगों का पैसा। सो गाइस मैं आपको इतना बोलूँगी थोड़ा सा आप MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर अपनी नज़र बना कर रखें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काम करती है और जिस तरीके से इसको रेलवे से ऑर्डर मिला है तो हो सकता है इसका स्टॉक मतलब नियर अबाउट 50 के ऊपर भी जा सकता है। बाकी गाइस आप खुद से भी स्टडी करें। हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि हमारी SLR सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए ये 1633 रुपये का स्टॉक है एंड इसमें फ्राइडे के दिन नियर अबाउट 3.5% की तेज़ी देखने को मिलती है। गाइस रीज़न क्या रहा, गाइस SLR सॉल्यूशन लिमिटेड में अगर कंपनी ने अपने योग्य इन्वेस्टर को हर एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया। गाइस फ्राइडे के दिन कंपनी के शेयरों की कीमतों में जैसे कि आप देख लो नियर अबाउट 3.5% की तेज़ी देखने को मिली थी एंड इंटर डे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। गाइस शेयर बाजार को इन्होंने जानकारी दी थी कि SLR सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड ने बताया कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 300% तक का रिटर्न डिविडेंड देने का फैसला किया है, जिस वजह से इन्वेस्टरों को हर एक शेयर पर 30 रुपये का फ़ायदा होगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 6 अक्टूबर 2023 मतलब यानी कि शुक्रवार को ही रिकॉर्ड डेट घोषित कर रखा है। एंड गाइस शुक्रवार को ही वैसे में कंपनी के शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया 3.5% तक चढ़ चुके थे, मतलब BSE में अगर मैं बात करूँ ना तो BSE में 3.41% तक की मतलब तेज़ी देखने को मिली थी परसेंट तक की एंड 1631 रुपये के लेवल पर ये बंद हुए था। गाइस बीते 6 महीने के अंदर अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं तो आप देख सकते हो 6 मंथ के अंदर 29% का रिटर्न दिया एंड साल भर में आप देख सकते हो 2306% का रिटर्न दिया। देखिए चार्ट पैटर्न तो थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये अपना हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस हाई से ये नीचे चल रहा है, नो डाउट ये वाले इस वाले हाई को भी ये तोड़ देगा क्योंकि देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट तो किया ही, जिसकी वजह से भी तेजी देखने को मिली है। एंड गाइस
एक साल में असल्या इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्ड जो करने वाले जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कम से कम नियर 40% तक का फ़ायदा मिल ही चुका है। गाइज ऑल ओवर बात की जाए असल्या सॉल्यूशंस के बारे में तो काफ़ी अच्छी कंपनी जानने को मिलती है एंड आप देख सकते हो उसका मार्केट कैपिटल 2000 करोड़ का देखने को मिलता है। एक तरीके से आप कह सकते हो पैनी स्टॉक के अंदर स्मॉल स्टॉक या माइक्रो कैप के अंदर आप कह सकते हो उसके अंदर आती है। तो दोनों ही कंपनी को अपने रडार लेवल पर लेकर चल सकते हैं। एक आपका MIC इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होगा आपका असल्या सॉल्यूशन। बाकी गाइस कुछ से स्टडी करें, चेक करें, तभी इन्वेस्ट करें। रिकमेंडेशन फ्रेंड्स से वीडियो चार पढ़ना है तो लाइक इस पर करना। मैं थोड़ा बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।